आज के वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 बताऊंगा जो कि सेट चैप्टर का हमारा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे और उसको जानेंगे। तो एक फॉर्मूला है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, मीन्स अगर हम लोग को एक फॉर्मूला एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का अगर फॉर्मूला हम लोग को निकालना है, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन है, मीन्स एक्स और वाई में जो भी कॉमन आएगा एलिमेंट, वो उसका नंबर कितना नंबर वो होगा, मतलब कितना नंबर ऐसा होगा जो कि x और y में कॉमन होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x, यानी x का जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y, दोनों को ऐड कर देंगे। मीन्स x का जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट, और y का सारा एलिमेंट है, दोनों को ऐड करने के बाद इसमें माइनस करेंगे नंबर ऑफ x यूनियन y, यानी x और y का जो यूनियन का जो आंसर आएगा, यूनियन में जो एलिमेंट आएगा उसका नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे इसमें। तो ये फॉर्मूला आएगा x इंटरसेप्शन y का फॉर्मूला होगा। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग इसी से डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला, यानी n ब्रैकेट में x यूनियन y, इसका अगर हम लोग को फॉर्मूला निकालना है तो ये इसका इस फॉर्मूला से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस टर्म को अगर हम लोग इधर ले आएंगे और इस टर्म को उस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स यूनियन वाई का नंबर। ओके, तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ एक्स का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ वाई का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई क्या होगा, हमारा दो अलग अलग सेट होगा। तो इस दो फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, एक्स और वाई हमारा दो सेट है और वो सेट कैसा है जिसमें नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 17 है, मींस एक सेट के अंदर, एक्स सेट के अंदर 17 एलिमेंट है और वाई सेट के अंदर 23 एलिमेंट है, हमको फाइंड करना क्या। एंड इसके साथ एक और चीज दिया हुआ है एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई का जो नंबर है वो दिया हुआ है 38, यानी एक्स यूनियन वाई में 38 एलिमेंट है। तो हम लोग को फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y में कितना एलिमेंट होगा। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन y, यानी x का सारा एलिमेंट प्लस y का सारा एलिमेंट माइनस x यूनियन y का सारा एलिमेंट। तो इसका इक्वल होगा x में कितना एलिमेंट है, तो x में हमारा एलिमेंट है 17, तो यहाँ लिखेंगे 17 प्लस y में 23 एलिमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे 23 माइनस x यूनियन y में कितना एलिमेंट है, तो इसमें है 38, तो इसे 38 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा माइनस में 38, तो ये फाइनली हमारा 2 आ जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, यानी x इंटरसेक्शन y में दो एलिमेंट होगा, तो इसका आंसर होगा। सो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का वैल्यू को हम लोग निकाले इस फॉर्मूले के हेल्प से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन के जस्ट सिमिलर है, इसमें हम लोग को वैल्यू दे चुका है नंबर ऑफ x इक्वल टू 8, नंबर ऑफ y इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 18। हम लोग को फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y का नंबर, यानी x इंटरसेक्शन y में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो चलिए इसको हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y, ये सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, यानी दोनों x और y दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट को जोड़कर उसका यूनियन को हम लोग को माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 15 माइनस 18, ये हो जाएगा 23 माइनस 18, तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 5, यानी नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। तो ये इजीली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी 400 पीपल का ग्रुप है जिसमें से 250 लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी 250 हिंदी बोलते हैं, 200 जो पीपल है वो इंग्लिश स्पीक करते हैं। हम लोग को फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, यानी वैसा पीपल जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं उनका हम लोग को संख्या फाइंड करना हो, नंबर ऑफ पीपल। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। चलिए
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो गिवन दिया हुआ है टोटल पीपल है 400, यानी जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं उसका वैल्यू को 400 यू, यानी उसमें सारा आ जाएगा, सारा एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग पीपल बोला है कितना 250 और इंग्लिश बोला है 200। तो नंबर ऑफ एच, एच मीन्स हिंदी, तो नंबर ऑफ एच हम लोग लिख सकते हैं कितना 250 पीपल। फिर नंबर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश फॉर ई मीन्स ई फॉर इंग्लिश, देन यहाँ इसका दिया हुआ है 200। हम लोग को फाइंड करना है बोथ, यानी नंबर वैसा पीपल जो इंग्लिश भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है। तो इंग्लिश और हिंदी बोलता है यानी दोनों कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन होने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन देंगे। यानी इंटरसेक्शन मीन्स वो हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, और अगर आएगा और, ये वाला और मतलब एंड, अगर एंड आएगा तो हम लोग को इंटरसेक्शन लगाना है, और या आएगा, या मतलब और, ये वाला और या आएगा तो हम लोग को यूनियन लगाना है, ये वाला याद रखिएगा। यानी एंड आएगा तो इंटरसेक्शन लगाना होगा और आएगा तो हम लोग को यूनियन लगाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रिक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग को सॉल्व करना है दोनों लैंग्वेज बोलना, दोनों लैंग्वेज बोलना चाहिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन हिंदी प्लस एन इंग्लिश, यानी नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाला माइनस नंबर ऑफ हिंदी और या फिर यूनियन इंग्लिश। अब हिंदी यूनियन इंग्लिश का हम लोग यहाँ पर कहीं दिया हुआ नहीं है, मतलब या तो वो हिंदी बोलना चाहिए या तो इंग्लिश बोलना चाहिए, मतलब हिंदी भी बोल सकता है और हिंदी नहीं बोल रहा है तो इंग्लिश भी बोल सकता है, यानी दोनों होगा या फिर उसमें से कोई एक भी चलेगा। तो ये वाला जो है नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये वाला ये है सेम, इसका यूनिवर्सल सेट है। यानी अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, ओके, और इसका भी वैल्यू क्या होगा 400 होगा। यूनियन का मतलब होता है टोटल ऑल हो जाएगा, मीन्स वो हिंदी का भी आ जाएगा और इंग्लिश का भी आ जाएगा, इसमें और, ये और है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग 400 लिख सकते हैं। तो हिंदी का है 250, यानी 250 लोग बोलते हैं, प्लस इंग्लिश बोलते हैं 200 पीपल, और माइनस में जो दोनों दोनों में से कोई एक बोलते हैं तो वह है 400, या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं, 400। अब हम लोग को क्या करना है, 200 प्लस 200 450 माइनस 400 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 50, और ये जो वैल्यू होगा नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाला या फिर सॉरी नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाला और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैसा पीपल जो इंग्लिश बोलता, यानी ये ऐसा पीपल है जो हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, ओके। तो ये सब सॉल्यूशन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एन एस यानी नंबर ऑफ एस, एस में कितना एलिमेंट है 21 है, एंड नंबर ऑफ टी मीन्स टी में 32 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी यानी एस और टी में कितना एलिमेंट है 11 एलिमेंट है, तो हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ एस यूनियन टी। तो ये भी इसके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। तो इसको हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, निकालना है हम लोग को नंबर ऑफ एस यूनियन टी। इसका क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ये सिंपल फॉर्मूला होगा। इसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है, इसमें 21 है इसमें 32 है, 21 प्लस 32 माइनस एस इंटरसेक्शन टी में कितना एलिमेंट है 11 एलिमेंट है, दोनों को ऐड करेंगे 30 20 50 53 ये माइनस 11, तो ये हो जाएगा 42। मीन्स नंबर ऑफ एस यूनियन टी जो होगा उसमें 42 एलिमेंट्स होंगे, ओके। तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वैल्यू दिया हुआ है एन एक्स इक्वल टू 40, यानी एक्स में 40 एलिमेंट है, वाई में हम लोग को दिया हुआ नहीं है, इसका वैल्यू को निकालना है कि वाई में कितना एलिमेंट होगा। देन एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है जिसमें 60 एलिमेंट है, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया हुआ है जिसमें 10 एलिमेंट है। तो चलिए हम लोग एन वाई यानी वाई का अंदर कितना एलिमेंट है वाई सेट के अंदर वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसका हम लोग फॉर्मूला होता है हम लोग का, मान लीजिए ये और ये दोनों में से कोई एक को हम लोग उठा के उसका फॉर्मूला लिखेंगे। लाइक अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे एन एक्स यूनियन वाई का, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ओके। अब सारा में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो यूनियन में वैल्यू है इसका 60 इक्वल टू एन एक्स का वैल्यू है 40 प्लस इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसका वैल्यू दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो इसको हम लोग 10 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ये 40 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस में आएगा और 10 इधर प्लस में आएगा, यानी 60 माइनस 40 और ये 10 प्लस में आएगा तो प्लस 10 इक्वल टू एन वाई, ओके। एन वाई को अब हम लोग इधर लिख सकते हैं, तो एन वाई इक्वल टू क्या होगा, 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20 आएगा और 20 प्लस 10 30,
मीन्स नंबर ऑफ वाई एलिमेंट हो जाएगा 30, वाई सेट में 30 एलिमेंट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, यानी एक 70 पीपल का ग्रुप है जिसमें 37% ऐसा है जो कॉफी को पसंद करता है, कॉफी पीना पसंद करता है, देन 52 लाइक टी, 52% ऐसा है जो टी पसंद करता है, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, और हर एक पर्सन ऐसा है जो दोनों ड्रिंक में से कोई ना कोई एक ड्रिंक जरूर पीता है या फिर जरूर लाइक करता है, यानी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कोई ड्रिंक नहीं पीता है। ओके, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, तो हम लोग को फाइंड करना है ऐसा पीपल जो कि टी भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं पीना। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 70 का वैल्यू को लिखेंगे, मीन्स यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा 70, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ टी पीने वाले यूनियन कॉफ़ी पीने वाले, यानी टी यूनियन कॉफ़ी का जो वैल्यू होगा वो भी 70 होगा, क्योंकि 70 ग्रुप का पीपल है और इसमें जो दोनों पीने वाला होगा, दोनों मतलब या तो टी या फिर कॉफ़ी पीने वाला जो पीपल होगा वो 70, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एक ऐसा पीपल नहीं है जो कोई भी दोनों में से कोई भी ड्रिंक नहीं पीता है, यानी हर एक पीपल कोई ना कोई ड्रिंक पीता ही है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ टी पीने वाले पीपल, तो टी कितना पसंद करते हैं, तो टी 52 पीपल लोग पसंद करते हैं। नंबर ऑफ कॉफ़ी पीने वाले, तो कॉफ़ी पीने वाले हैं 37। हम लोग को फाइंड करना बोथ मतलब दोनों, यानी नंबर ऑफ टी भी पीना चाहिए और इंटरसेक्शन कॉफ़ी भी पीना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो ये सिंपल बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहीं पर लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी का क्या फॉर्मूला होगा, तो नंबर ऑफ टी पीने वाले प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी पीने वाले माइनस नंबर ऑफ टी पीने वाले या फिर कॉफ़ी पीने वाले। ये हो जाएगा टी के लिए 52, कॉफ़ी के लिए 37, और या तो टी पीने वाले या फिर कॉफ़ी पीने वाले 70 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे या तो टी पीने वाले या फिर कॉफ़ी पीने वाले। उसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करें आगे, तो 50 प्लस 30 89, ये हो जाएगा 89, और ये माइनस में 70, ये फाइनली आ जाएगा 1919। ये हो जाएगा वैसे लोग जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 65 पीपल का ग्रुप है जिसमें 40 ऐसा लोग है जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 ऐसे पीपल है जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों पसंद करते हैं, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ऐसा लोग जो कि ओनली टेनिस ही पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते है। ये पहला क्वेश्चन में फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग को फाइंड करना हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, टेनिस कौन पसंद करते हैं उसको भी फाइंड करना, मीन्स ये जो क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, इसमें क्रिकेट वाला भी आ सकता है, ओके, और इसमें ओनली टेनिस वाला है, और बट इसमें टेनिस वाला भी है और वैसा पीपल जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं वो भी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे जो कि गिवन दिया हुआ उसे लिखेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 65, और 65 जो है इसका भी वैल्यू है मीन्स नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले यूनियन क्रिकेट खेलने वाले पसंद करने वाले। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्रिकेट कितना लोग पसंद करते हैं, तो 40 पीपल ऐसा है जो क्रिकेट पसंद करते हैं, यानी नंबर ऑफ सी क्रिकेट पसंद करने वाले 40 होंगे, और दोनों पसंद करने वाले यहाँ दिए हुए 10, यानी नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टेनिस टी इक्वल टू हो जाएगा 10। हम लोग को फाइंड क्या करना है, वैसा लोग जो टेनिस सिर्फ पसंद करते हैं, ओनली टेनिस पसंद करते हैं, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको पहले हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये एक डायग्राम है मैंने बनाया जिसमें ये होगा क्रिकेट खेलने वाले और ये होंगे टेनिस खेलने वाले, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ग्रुप ऑफ 65 पीपल है, 65 पीपल में 40 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ये हो जाएगा 40, बट इससे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला एरिया को, ये वाला एरिया मतलब जो क्रिकेट भी खेलते हैं और जो टेनिस भी पसंद करते हैं, तो वैसा कितना है, तो वैसा है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो इसके अंदर आ जाएगा 10 जो कि क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस भी पसंद करते हैं। उसके बाद देखेंगे 40 ऐसा पीपल है जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं, ओनली क्रिकेट नहीं, इसमें लिखा हुआ क्रिकेट, हो सकता है टेनिस भी पसंद करते हो, तो यहाँ पर ये वाला सर्कल में 40 आएगा और यहाँ पर ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ पर ओनली 30 आएगा, तब जाकर 30 और 10 ऐड होगा और वो 40 बनेगा। फिर यहाँ पर हम लोग को क्या आएगा वो लिखना है, तो टोटल कितना पीपल है, टोटल 65 है, यहाँ से हो गया 30 और यहाँ से हो गया 10, यानी हो गया 40,
अब बचा कितना, तो यहाँ से बचा 25, तो यहाँ पर होगा 25। ओके अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो ये जो 25 जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वैसा पीपल है जो ओनली टेनिस खेलते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करके 25 ही लाना है। तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं नंबर ऑफ ओनली टेनिस खेलने वाले इक्वल टू होगा नंबर ऑफ या तो वो खेलने वाले, या तो टेनिस खेलने वाले या फिर क्रिकेट खेलने वाले, यानी ये नंबर ऑफ टेनिस यूनियन क्रिकेट, और इसमें हम लोग माइनस कर देंगे क्रिकेट खेलने वाले। दोनों खेलने वाले में से अगर क्रिकेट खेलने वाले माइनस कर देंगे तो सिर्फ ओनली टेनिस खेलने वाले ही बचेंगे, तो नंबर ऑफ सी यानी क्रिकेट खेलने वाले। यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये दोनों खेलने वाले, दोनों खेलने वाले ये हो जाएगा टोटल पूरा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, यानी टेनिस यूनियन क्रिकेट ये पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अगर सी को माइनस करेंगे, सी वाला को, तो सी वाला को ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 25 ही बचेगा। तो यहाँ पर इजीली हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कितना 65 माइनस सी कितना खेलते हैं 40 खेलते हैं, यानी क्रिकेट 40 पसंद करते हैं। ये फाइनली हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 50-60 यानी 25। और यहाँ पर हमारा 25 आंसर निकल भी रहा है, तो ये नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले आ जाएंगे नंबर ऑफ ओनली टेनिस खेलने वाले, तो इसका आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस खेलने वाले कितने हैं, तो टेनिस खेलने वाले हैं 25 प्लस 10 यानी 35। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला के थ्रू लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते पहले नंबर ऑफ टेनिस यूनियन सी यानी क्रिकेट इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला में लिख सकते हैं। इसका वैल्यू है 65 इक्वल टू टेनिस खेलने वाले कितना आए थे, टेनिस खेलने वाले हम लोग को निकालना ही है, ये वाला वैल्यू को हम लोग को निकालना है, फाइंड करना है टेनिस खेलने वाले। उसके बाद है प्लस क्रिकेट खेलने वाले, यहाँ पर दिया हुआ है 40, यहाँ लिख देंगे 40। फिर यहाँ पर माइनस और दोनों खेलने वाले टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 10। इसको अगर हम लोग सारा चीज़ को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल टू नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले। तो यहाँ से नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले आ जाएगा 65 में से 40 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 35, ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर भी आ रहा था 25 प्लस 10 35, तो डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको तुरंत सॉल्व कर चुके हैं, तो डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको तुरंत सॉल्व कर दिए, और ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर हम लोग को सॉल्व करना होगा तो हम लोग डायग्राम के थ्रू इजीली इसको सॉल्व करके इसका आंसर तुरंत ही फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। तो क्वेश्चन हमारा है एन एफ यानी एफ में एलिमेंट है 50, एस में टोटल एलिमेंट है 20 और एन एस इंटरसेक्शन एफ में है 10। हम लोग को फाइंड करना है एस यूनियन एफ में कितना एलिमेंट होगा, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं एन एस यूनियन एफ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एन एस प्लस एन एफ माइनस एन एस, यहाँ पर हम लोग को यूनियन फाइंड करना है इसका नंबर ऑफ इसका, तो यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन का साइन देंगे एन एस इंटरसेक्शन वाई, देन इसका हम लोग फाइनली वैल्यू पुट करेंगे, तो एस में 20 है एफ में 50 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 50 माइनस एस इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू दिया हुआ है 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 50 प्लस 20 70 माइनस 10, 70 माइनस 10 होगा 60, मीन्स नंबर ऑफ एस यूनियन एफ का जो वैल्यू होगा वो हमारा आएगा 60। तो ये सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा था। सो इस तरह से हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। आई होप आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट नहीं होगा, अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।